कुछ ही नहीं दिख रहा यहाँ पर, बोला क्या और बाद में चुप बोलेंगे भाई, भाई कुछ भी नहीं दिख रहा। बाबा भाई चलिए शुरू करो ना, ये आईसी लाइन देते हम गरीब है मामा, गरीब बोलना वहाँ रुको बोलना, हम गरीब है, ये बचा रहे चाचा हमको। चलो रुला रहे थे कहा कितने लोग है, खाना कैसे देने का बताओ, नौ जन उनको भेजो बोलना हुआ, चलो गाड़ी कहीं ठहरो, दो जन देव बोले उनको तो उन्होंने अपने कुछ सुना रहे कहानी, कहाँ क्या है हमको मालूम है, रोज बांट रहे ना शर्मा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे खादिर, हर चीज़ पर अल्लाह की हुकूमत है। देखे खैर दुनिया जो भी वबा से घिरी, जो भी परेशानी चली, दुनिया के अंदर भी बहुत सारे बातें हैं, तुम लोग क्या देख लो, सब लोग खुद रोज़ देख रहे, सबको पता है, मगर सबसे बेहतर मैं तुम लोगों को एक बात ये कहूँगा कि अपने आस पास में कोई भी ऐसा ना हो कि पेपर में न्यूज़ आ रहे हैं, मैं बहुत सारे न्यूज़ देख रहा हूँ अभी पेपर में आई न्यूज़ कल के, अल्लाह अकबर, कोई इंसान उसके बच्चों को खाना नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया खुद, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे देखकर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके अपने से उतनी इमदाद करो, गरीबों की मदद करो, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब इंसान है और सब एक समान है, देखकर सबकी मदद करो। देखो आज मेरा ट्रस्ट अल्लाह के फजल करम से, मैं तो इधर आउट ऑफ स्टेट में फंसा लाऊँ, मगर फिर भी वो लोग जितने भी बाबा लाला हो सब लोग मिलकर, बाबा लाला और उनके साथ में पूरी टीम मिलकर मेरे ट्रस्ट की तरफ से मेरा जो भी लंगर है अल्लाह के फजल करम से वो लंगर के थ्रू ना कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी गरीब रोड पर दिख रहा हो उन्हें खाना तकसीम कर रहे, पहुंचा रहे, जितनी भी हमसे इस्तात मदद हो रही पूरी हाथों हाथ कर रहे, खाना पानी सब उनको मुहैया करा रहे, पहुँचा रहे, वो भी विद परमिशन, कर्फ्यू के अंदर तुम परमिशन लो जाकर अपने करीबी पुलिस स्टेशन से और बोलो उनको जब भी जो भी टाइम खुलता हो 2 घंटे
तीन घंटे जो भी टाइम देंगे आपको एक दो बंदों को, जाकर उस हिसाब से अमल करो, कानून कायदे के दायरे के अंदर रहकर करो, कानून कायदे का उल्लंघन मत करो, क्योंकि वो सब तुम्हारे भले के वास्ते बनाने वाला रहता। और एक सबसे अहम बात ये बोलूँगा कि खैर देखो, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तुम लोगों ने आपस में इतने कर दिए थे भेदभाव जात पात, देखो कैसी खुदा की कुदरत है, सबको एक पटरी पे लाके खड़े कर दिया। और बड़े बड़ों को भी इतने बड़े बड़े बातें कर रहे थे दुनिया के, हम सुपर पोर, तुम सुपर पोर, मैं ताकतवर तू ताकतवर, कहाँ गए आज तुम्हारे सबके ताकत। एक ना दिखने वाले मामूली जेम्स ने सबको पटरी पे लाके खड़े करा। खैर सही तरीके से हाथ धो, सही तरीके से केयर करो, तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगी, तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगी, पूरा देश महफूज रहेगा। जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे गवर्नमेंट के उसको फॉलो करो। और सबसे अहम बात कि गरीबों तक सही तरीके से खाना मुहैया कराओ, पहुंचाओ। देखो इसमें वीडियो के अंदर जोड़ दिए वाला है सब कि हमसे जितना हो रहा कंटिन्यू चालू है, दवाखानों में, हॉस्पिटलों में, लावारिस लोग रोड पर, गरीबां जहाँ स्कूलों में रुके वाले मजदूर हैं उनको, जिनको भी खाना नहीं मिल रहा सब तक खाना पहुंचा रहे, सब लगे वाले हाथों हाथ अल्लाह करम से 24 घंटे बन रहा खाना और पहुँच रहा अल्लाह के हुक्म से। और अगर किसी को भी डोनेशन करना है तो ये तुम्हारा ही ट्रस्ट है, खुद का ट्रस्ट है। यही बोलता था मैं हमेशा कि इसमें तुम जोड़ेंगे और इसमें डोनेशन करेंगे तो ये डोनेशन ऐसा आयन वक्त पे काम आएगा जनता के। अब अल्लाह के फजलो करम से सबके काम आ रहा, अभी तक तो किसी का डोनेशन नहीं आया। मई सेल्फ देकर मेरे तरफ से और बाबा लाला दो लोगों की तरफ से डोनेशन होके उठता खाना चल रहा है, सबको मुहैया करा रहे हो। मैं हूँ जो आगे बढ़कर अल्लाह करम से दिया सब डोनेशन मेरे ट्रस्ट की तरफ से और बाबा लाला दो लोगों के तरफ से ही ताऊँगा और सारे लोगों को खाना मुहैया करा रहे। अगर आप लोगों को भी डोनेशन करना है तो ट्रस्ट का पूरा अकाउंट नंबर वो सब है, उसमें जो भी करना है करो, ऐसा किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। मेरे भी बहुत फॉलोअर्स है दुनिया के अंदर अल्लाह के फजल करम से, जो जो भी सुन रहे हैं देखो तुम लोग खुद देखो कि हर वक्त अल्लाह सही लोगों के हाथ से सही काम लेता। खैर इबादत करो ज़्यादा से ज़्यादा, सूरह यासीन शरीफ पढ़ो सुबह और शाम दो टाइम, कोई बीमारी तुम्हारे नहीं छूएंगी, अल्लाह के हुक्म से बच के रहेंगे, ये अल्लाह का आज़ाब है। मुझे बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ मैं मगर नहीं बोल सकता ऑनलाइन, इसलिए समझ जाओ इशारे के अंदर, ठीक है। अस्सलाम लोगों का यही कहना है कि ये क्या चीज़ आई है, क्या है ये कोरोना वायरस, जो भी है जो भी दास्तान चल रही वर्ल्ड के अंदर, जो लोग परेशान हैं आज, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। और मैं हमेशा कहता था एक बात कि कमज़ोरों पे जुल्म मत करो, कमज़ोरों पे जब ताकतवान अपना जुल्म हद से ज़्यादा गुजर जाता तो तब अल्लाह फिर उसकी लाठी से मारता, फिर ऐसा कि उसने जब आज़ाब में घेरता तो उसके आज़ाब, जब अल्लाह का आज़ाब आ जाता तो ना वहाँ दवा काम करती ना दुआ काम करती। खैर मैं तो एक बात ये बताऊंगा तुम लोगों को कि मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि घर से बाहर जाना का कैसा रहेगा, बेहतर है कि घर से बाहर मत जाओ, जो तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू उसको फॉलो करो, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हारी दुश्मन नहीं है, गवर्नमेंट जो भी तुमको बता रही है कि वो सब तुम्हारे ही भले के लिए और सब सोसाइटी और सब लोगों के लिए, देश के भले के लिए, सबके लिए बता रहे। मगर एक बात मैं तुमको बोलूँगा, सबसे अहम घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़ के निकलो। अल्लाह ने दुआ मोमिन के लिए हथियार रखा है, मतलब बार बार कहता था कि दुआ जो है, दुआ मोमिन के लिए हथियार है। घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ पढ़ो, खाना खाते वक्त दुआ पढ़ो, चलते फिरते वक्त हर वक्त दुआ पढ़ो, हर चीज़ की दुआ मौजूद है, दुआएँ याद करो। और सबसे अहम बात, तुमको दुआएँ याद करने के लिए कहीं मार्केट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन यूट्यूब पर डाल दो, हर चीज़ की दुआ तुम्हारे सामने आ जाएंगी। और अल्लाह जब तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा तो फिर कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। और मैं तुमको हमेशा बोलता था, जब अल्लाह अगर से बदला लेना चाहेगा तो फिर कोई बचा नहीं सकता। देख लिए आज दुनिया ऐसा समझ रही थी अपने आप को, लोग ऐसा समझ रहे थे हम ताकतवर, हम बलवान, हम बलवान, कोई बलवान नहीं, सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा ताकतवर वो है। कैसा भेज दिया उन्होंने, कैसी आज़ाब में घेर लिया पूरी दुनिया, आज ये जो भी झुलस रही है सब आज़ाब के अंदर घिरी हुई है। सबसे अहम बात तुम्हारे लोगों को ये बताऊंगा मैं, पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ 1100 बार कम से कम दिन भर में से पढ़ लिया करो, अव्वल आखिर 7 बार चारों खुल और आयतल कुर्सी भी पढ़कर पानी पर दम करके पीते, ज़्यादा से ज़्यादा जब तुम पढ़ोगे फिर कोई चीज़ तुमको नुकसान और जहमत नहीं पहुँचा सकेंगी। और सबसे अहम सूरह यासीन शरीफ, सूरह यासीन शरीफ को सुबह अगर तुम पढ़ लोगे बाद नमाज फजर की, तो सूरज डूबने तक, सूरज निकलने से तो सूरज डूबने तक अल्लाह खुद तुम्हारी हिफाजत करेगा।
कोई आफत, कोई बीमारी, कोई दुनिया की ताकत और कोई भी आफत तुम्हें टच नहीं कर सकेंगी सूरज डूबे तक। और सूरज डूबने के बाद अगर तुम पढ़ोगे तो सूरज निकलने तक तुम्हारे को दुनिया की कोई भी आफत, कोई भी ताकत तुम्हारे को जहमत नहीं पहुंचा सकेंगी। इसलिए बेहतर है सुबह और शाम ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य यासीन शरीफ पढ़ो, पानी पर दम करो, पियो। और एक तुम्हारे को मामूली एक नुस्खा भी बता दूंगा मैं कि एक काम करो, घर में अदरक होती ना, अदरक लो, हर किसी के घर के अंदर रहती है, और काली मिर्च, ये दोनों को मिलाकर औंटाओ, औंटाकर गर्म पानी के गरारे करो, कुलिया करो, पियो और हाथों को अच्छे से धोओ। 20 सेकंड तक हाथ धोना, बाहर जाने लगे तो मास्क लगाकर जाना, और धारा 144 का उल्लंघन मत करो। ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही फायदे के लिए ही तो गवर्नमेंट ने ये सारे जो स्ट्रिक इतना लेरी कर रही, सब तुम्हारे ही भले के लिए। बाकी तो ऐसी बात है कि दुनिया में कमज़ोरों पर बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ गया था, उम्मत मोहम्मदिया पर बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ गया था। लोग ताकतवर जालिम लोग ऐसा समझ रहे थे कि हम दुनिया में सुपर पावर है, हमारी हुकूमत है दुनिया पर। बताओ आज कहाँ गई तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा कहाँ है आज सब पावरफुल बड़े बड़े बातें करने वाले लोग जालिमाओं। उस जालिमों के वास्ते अल्लाह ने कौन सा आज़ाब नाजिल करा, देखो ये अल्लाह की कुदरत है, खुदा की। इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा मैं, जो बेकाबू हो उन पे भी वो काबू भेज देता है। वतन को कोई ख़तरा हो, अब जब शेर तो नहीं पढ़ूंगा मैं, बहुत सारे बातें हैं बोलने के लिए, मगर इतना एक शेर तुम्हारा कोई तारीख से बता दूंगा शेर के अंदर, खुद ये समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा मैं। खुदा जब हिफाजत की ठान लेता है तो मकड़ी की चादर तान देता है, खुदा जब हिफाजत की ठान लेता है तो मकड़ी की चादर तान देता है। मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राह दे देता है, वरना जान तो एक मामूली ना दिखने वाला जम्स भी ले लेता है जरासीम। इसलिए बार बार मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि अपने अपने घर के अंदर रहो और इबादत करो, 5 टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ो और सूरह यासीन पढ़ो। सूरह यासीन बाद नमाज फजर के पढ़ो और बाद नमाज मगरिब के पढ़ो, ताकि तुम्हारे को 24 घंटे अल्लाह की अमान में और अल्लाह की हिफाजत में तुम रहेंगे, कोई भी बला तुमको टच नहीं कर सकेंगी, ना ज़मीनी ना आसमानी, ना कोई वबा तुमको। आज पूरी दुनिया वबा में घिरी हुई है, आप जी साइंसदान बहुत बड़े बड़े बातें करते थे सब लोग, आज सब धूल चाट रहे, कुदरत के सामने सब बेबस है।